नरसिंहपुर के जनपद मैदान में भाजपा ने किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और सांसद राव उदय प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच राकेश सिंह ने कांग्रेस सरकार और कमलनाथ को जमकर कोसा। राकेश सिंह ने बताया किसानों के साथ छल किया गया है, भ्रम की स्थिति बनी है। इन्होंने 10 दिन में 2 लाख की ऋण माफी करने का किसान से झूठा वादा किया। आज 10 माह सरकार को हो चुके हैं, पर किसी का भी ऋण माफ नहीं हो सका है। वहीं बिजली बिल आधा करने की बात कही थी, वह भी आधा होकर कई गुना बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष प्रदेश में भारी बारिश हुई है और सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली, बल्कि कमलनाथ अभी भी बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कमलनाथ जी ये स्वयं मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर आकर ये घोषणा करके गए थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 10 दिन के भीतर 2 लाख रुपए तक का कर्जा किसानों का माफ कर देंगे। दुर्भाग्य से 10 महीने बीत गए। हमने चुनौती दी है कि 10 किसान लाकर खड़े करिए कि जिनका आपने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया हो। ये पहले कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, जब कांग्रेस के भीतर से ही आवाजें आना शुरू हो गई कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, इनके बड़े नेताओं ने कहा, तो फिर कमलनाथ जी कैमरे के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने पहले चरण का कर्जा माफ किया। ये चरण कहां से आ गए भाई? तय तो ये था कि 10 दिन के भीतर कर्जा माफ होगा और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। 10 महीने बीत गए, 10 किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री वही का वही है और कांग्रेस पूरी बेशर्मी के साथ कहती है कि हमने कर्जा माफ कर दिया। किसान बदहाल बेहाल है। 3-3 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली है पिछले दिनों, लेकिन सरकार को सरकार की नींद खुल नहीं रही। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि हमारा अन्नदाता आत्महत्या करने पर मजबूर हो। राकेश ने कहा कि हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री नुकसान होने पर तुरंत किसान के पास जाकर उसके साथ खड़े होते हैं। हमने बिजली बिल जलाकर यह संदेश दिया है कि अभी भी सरकार किसानों की बद्दुआ ना ले, उनका ऋण माफ करे और उनका आशीर्वाद ले, वरना बीजेपी और बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। भाजपा हमेशा किसानों के साथ खड़ी दिखाई देगी। बाद में एक रैली के माध्यम से खुद राकेश सिंह सड़क पर ट्रैक्टर चलाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाण न्यूज, नरसिंहपुर।